लेबल हटा के जो फेक रेमडेसिविर के वायल्स के इन्होंने जो एक लेबल तैयार किए थे वो सेम वायल्स के लेबल हटा के रेमडेसिविर के लेबल चिपकाते। 2 करोड़ टोटल रिकवरी हुई है इस 6 एक्यूज पे और 2 लैपटॉप रिकवर हुए है, 4 गड्डियां इन्हों की रिकवर हुई है जो इन्होंने इस चीज़ के ट्रांसपोर्टेशन पे कैरिज पे यूज़ की। कितने पैसे से अभी तक कमा चुके हैं? 5 करोड़ रुपए। रूपनगर पुलिस ने एक अजिहे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो 150 रुपए की एंटीबायोटिक दवाई नूं करोना दे रेमडेसिविर इंजैक्शन च बदल के करोड़ां कमा रहा सी। रूपनगर पुलिस ने इस गिरोह का पर्दाफाश करदिया 6 दोषियों नूं काबू किया है। पुलिस ने इन्हां मुलजमां कोलों 2 करोड़ रुपए की ड्रग मनी भी बरामद की है, जदों के इस मामले विच नामजद 2 दोषी हाले भी फरार दसे जा रहे ने। रूपनगर के SSP डॉक्टर अखिल चौधरी मुताबिक इन्हां दोषियों नूं करीब 1 महीने की छानबीन तो बाद काबू किया गया और इन्हां दोषियों नूं डॉक्टरी लाइन का थोड़ा बहुता तजर्बा होने कारण इन्होंने इस पूरी वारदात नूं अंजाम दिता है। ये जो 6 मई नूं भाकड़ा कनाल के लगभग 3000 के करीब टोटल वायल्स जो है जिस रेमडेसिविर सिफेपरेजोन एंटीबायोटिक और बाकी अनलेबल्ड वायल्स जो रिकवर हुई सी इस दे बेस ते पुलिस ने पर्चा रजिस्टर करके SIT बनाई। SIT ने काफ़ी 1 महीने तो भी ज़्यादा डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन के बाद केस नू वर्कआउट किया है। इस च बेसिक मॉडस ऑपरेंडी यह निकल के आई है कि जो मेन एक्यूज है मुहम्मद शावर तो ये बाकी जो एसोसीएट्स है इन्हों फार्मास्यूटिकल लाइन का एक्सपोजर सी एक्सपीरियंस सी लगभग 5 साल का इन्हों को एक्सपीरियंस सी तो इसने अपनी मार्केटिंग फर्म का जो है यूटिलाइज करके एंटीबायोटिक वायल्स जो है वो प्रोक्योर की एक कालाम बेस्ड फर्म से। उन एंटीबायोटिक्स वायल दे इन्होंने लेबल हटाए, लेबल हटा के जो फेक रेमडेसिविर के वायल्स के इन्होंने जो एक लेबल तैयार किए थे वो सेम वायल्स के लेबल हटा के रेमडेसिविर के लेबल चिपकाते। बेस्ड ऑन डिमांड इन्होंने ये जो जितनी तैयार की सी वायल्स वो वक् वक् थां ते अपने कॉन्टैक्ट्स नाल अपने सोर्सिज नाल संपर्क करके दिल्ली हरियाणा पंजाब ते बाकी थां इन्होंने बेची। इस केस 6 दोषी रोपड़ पुलिस वालों 6 एक्यूज जो है फड़े गए, मुहम्मद शावर, शाह नाजर, शाह आलम, अरशद खान, मुहम्मद अरशद और एक हरियाणा का रेजिडेंट है प्रदीप सिरोह। इस रिकवरी लगभग 2 करोड़ टोटल रिकवरी हुई है इस 6 एक्यूज पे और 2 लैपटॉप रिकवर हुए है, 4 गड्डियां इन्हों की रिकवर हुई है जो इन्होंने इस चीज़ के ट्रांसपोर्टेशन पे कैरिज पे यूज़ की। दूजे पासे फड़े गए मुख दोषी मुजफ्फरनगर के मुहम्मद शाहवार मुताबक उसनू रेमडेसिविर नाल बदली गई एंटीबायोटिक दवाई की पूरी जानकारी सी जिस नाल लोगों की सेहत नू कोई भी नुकसान नहीं होया सगों लोगों की सेहत विच सुधार ही आया है। ऑर्डर डाला था एक्चुअल में नहीं मिल पाया, फिर उसके पार्टियों का प्रेशर था तो स्लीप। कहाँ कहाँ बेचे जी? चिकरला, पानीपत, रिवाड़ी और पंचकुला अमरावती। कितने कितने इंजेक्शन बेचे थे? टोटली लगभग 10 से 12 हज़ार। अच्छा, कितने पैसे से अभी तक कमा चुके? 5 करोड़ रुपए। अच्छा, तो आपको ये नहीं लगता भी आप लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे थे पैसे कमाने के जब लोग मुसीबत में थे? सर, मैंने एंटीबायोटिक यूज़ किया था, इंजेक्शन जो था एंटीबायोटिक यूज़ किया था, उसकी मुझे नॉलेज थी जिससे किसी की हेल्थ को प्रॉब्लम नहीं हो सकती थी किसी कारण भी। अच्छा, उससे रिजल्ट भी पॉजिटिव आया था और पहले मैंने ट्रायल किया था 100 इंजेक्शन से, उसके बाद ही मैंने आगे प्रोसीजर को प्रोसीड किया। पर धोखा तो किया आपने आर्थिक तौर के, तो लोगों को लूटा ना। जो 100-200 वाली दवाई आपने 4000-5000-30000 में बेची? बिल्कुल सर। कितने कितने लोग अभी और इसमें आपके साथ हैं जो काम? यही है सर, और यही है मेरे साथ। कहाँ कहाँ सप्लाई करते थे आप ये दवाई? पानीपत, रिवाड़ी, हरियाणा और पंचकुला। यहाँ पर क्यों फेंक के गए थे रोपड़ में? दोस्तों ने फेंका है घर से ना, डर के कारण।
असल विच मामला बीती 6 मई का है जदों रूपनगर के नेड़े लंघदी भाखड़ा नहर विचों लगभग 3000 शीशियां रेमडेसिविर इंजैक्शन दियां बरामद कीतियां गईयां सी। जिस तों बाद पुलिस अते सेहत विभाग दियां टीमां वलों नहर विचों इन्हां टीकियां नूं बाहर कढ़वा के जदों इन्हां टीकियां दी जांच कीती गई तां इह टीके नकली पाए गए सी। मामले दे सामने आउण तों बाद रूपनगर दी चमकौर साहिब पुलिस वलों मुकदमा दर्ज किया गया सी अते पुलिस वलों जुर्म दियां पैड़ां दबदियां हुण दोषियां नूं काबू कर लिया गया। रूपनगर तों सज्जन सिंह सैणी, पंजाबी लोक चैनल।